आइए, सो टुडे वी विल स्टार्ट इनकम फ्रॉम सैलरीज, राइट? सो इनकम फ्रॉम सैलरी का, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में देयर वाज चार्जेबिलिटी कंडीशंस, राइट? सो हाउस प्रॉपर्टी में द चार्जेबिलिटी सेक्शंस वेयर देयर मस्ट बी सम बिल्डिंग, द एसएससी मस्ट बी द ओनर एंड द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर बिजनेस बेनिफिट. इफ ऑल द थ्री कंडीशंस आर सैटिस्फाइड देन इनकम विल फॉल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, राइट? सो वैसे ही यहां पे चार्जेबिलिटी सेक्शन 15 है, इसमें खाली एक ही कंडीशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, मतलब इनकम विल फॉल अंडर द हेड सैलरीज. देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. इफ द रिलेशनशिप इज देयर देन इनकम विल फॉल अंडर द हेड सैलरीज. एग्जाम्पल वन, पार्टनर रिसीविंग सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिल रहा है. पार्टनर इज एन ओनर नॉट एम्प्लॉई, देयरफॉर इनकम नॉट chargeable to tax under the head salaries, right? Example 2, member of parliament रिसीविंग रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी सॉर्ट ऑफ, ठीक है? नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी as members are elected whereas employees are selected. Members को elect किया जाता है, select नहीं किया जाता. Is it fine? Next,
Example 3. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब हो गया, एग्जाम्पल में आएंगे टीचर, डॉक्टर, लॉयर्स, राइट. वी ऑल्सो पे मनी टू दीज पर्सन्स, राइट. सो दीज पर्सन आर not subjected to detailed direction and control. हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, आपको पसंद है तो पढ़िए, नहीं तो कहीं और चले जाइए. It's something sort of this, right? So you cannot direct me that you have to teach in this way, right? So हम अपना काम करेंगे, बट आई विल नॉट डू एज पर योर डायरेक्शन एंड कंट्रोल. दीज पर्सन आर नॉट सब्जेक्टेड टू डिटेल डायरेक्शन एंड कंट्रोल. दे कैरी आउट देयर वर्क इन देयर ओन मैनर, राइट. एग्जाम्पल 4. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. एग्जाम्पल डोमेस्टिक सर्वेंट. जो हमारे घर में रामू काका है उसके लिए बात हो रहा है. दीस पर्सन आर सब्जेक्टेड टू डिटेल डायरेक्शन एंड कंट्रोल. दे हैव टू फॉलो द स्पेसिफिक गाइडलाइंस विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाई देयर एम्प्लॉयर हेड. नहीं नहीं, एज विश मतलब क्या? नहीं, डिजाइन तुम दे रहे, दैट इज नॉट डायरेक्शन एंड कंट्रोल. द वे ऑफ डूइंग वर्क. यू हैव गिवन मी द सिलेबस, नाउ हाउ डू आई टीच दैट? यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. यस, हाँ वो डायरेक्शन देगा, इसको इस तरीके से करो, ऐसे पोछो, ऐसे खाना बनाइए. ही हैज टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर्स. हाँ, इज इट फाइन? हाँ, सो दो दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. हाउस प्रॉपर्टी में भी हमने आपको जब चार्जेबिलिटी सेक्शन बताया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टोल्ड यू दीज थिंग्स, राइट. सैलरी में भी हमने बताया, तो सारे हेड से ही कुछ ना कुछ हम
गॉट माई पॉइंट? तो दो दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट हेड से दे विल गिव यू द टाइप ऑफ इनकम एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेल अस विच हेड इट विल फॉल. हो गया ये वाला चीज, चार्जेबिलिटी सेक्शन समझ में आ गया. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, मतलब इनकम विल फॉल अंडर द हेड सैलरीज. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज माय फाइनेंशियल ईयर इज 18-19, हाँ, तो हाउस प्रॉपर्टी में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वॉज अक्रूअल बेसिस. क्या अक्रूअल बेसिस? मतलब 12 मंथ्स लेट आउट है, इनकम टैक्सेबल इक्वल्स टू 12 मंथ. मतलब इफ रिसीव फॉर 11 मंथ्स देन ऑल्सो इट इज 12 मंथ्स. सपोज मान लेते हैं फेब तक का मिला है, मार्च वाला इज आउटस्टैंडिंग, अनरियलाइज्ड इज समथिंग एल्स एंड आउटस्टैंडिंग इज समथिंग एल्स. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है दो तीन दिन में ही विल गिव, राइट? सो फेब तक का हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मार्च वाला टिल 31st मार्च आई हैव नॉट येट रिसीव्ड, मे बी आई विल बी रिसीविंग इन 1st अप्रैल और 2nd अप्रैल. तो ड्यूरिंग द ईयर तो रिसीव नहीं हुआ ना, बट इट डज नॉट मैटर, टैक्सेबल विल बी 12 मंथ्स. सेकेंड केस, आई हैव रिसीव्ड फॉर 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ इन एडवांस. बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि अप्रैल का जो रेंट है वो आप हमको मार्च के अंदर अंदर देंगे. सो ड्यूरिंग द ईयर आई हैव रिसीव फॉर अप्रैल ऑल्सो. सो इन दैट केस आई हैव रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 13 मंथ्स. इन बोथ द केसेस टैक्सेबल विल बी ओनली 12 मंथ्स. इन दिस केस ऑल्सो 12 मंथ्स इज टैक्सेबल. इन दिस केस ऑल्सो 12 मंथ्स इज टैक्सेबल. एचपी वाला सम का ही बता रहे हैं हम तुमको. हाँ, एनुअल रेंट भी 12 महीने का ही लेंगे, अगला साल आएगा. एक्रुअल बेसिस लिख दिया मतलब 12 महीने का इनकम विल बी टैक्सेबल. कम मिला हो ज्यादा मिला हो दैट डजेंट मैटर, वेदर 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग और 1 मंथ इज एडवांस, इट डज नॉट इवन मैटर. 12 मंथ्स विल बी टैक्सेबल. हाँ नहीं, क्यों करेंगे रिकॉर्डिंग 12 मंथ्स का ही होगा. एक्रुअल मतलब क्या होता है? इनकम आई विल, इनकम तुमको रिसीव हुआ 12 प्लस 1, बट टैक्सेबल विल बी 12 मंथ्स ओनली. जो एडवांस मिला वो नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होगा, राइट? और आउटस्टैंडिंग वाला इसी साल टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही मिला नहीं हो, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, फाइन इनफ. टैक्सेबिलिटी इस साल हो गया, इज दैट फाइन? हाँ. नाउ ये था हाउस प्रॉपर्टी में. सैलरी में द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बिट डिफरेंट. राइट, कहाँ गया विकास? कॉल करो उसको.
ठीक है. सो इनकम फ्रॉम सैलरी में ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है. ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर. इसका बोलने का मतलब क्या है, एटीन नाइनटीन में तुम काम 12 महीना किया है, 11 महीने का तुमको रिसीव हुआ है, 1 month आउटस्टैंडिंग है, ठीक है. तो 11th मंथ का 11 महीने का ड्यू भी हो गया, रिसीव भी हो गया, ड्यू भी हो गया, रिसीव भी हो गया, ऐसे करके 11 बार. लास्ट जो महीना है वो ड्यू हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि तुम काम कर चुका मतलब ड्यू हो चुका है. ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड. 11 महीने तक तो ड्यू भी हो गया, रिसीव भी हो गया. 12th मंथ का खाली ड्यू हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है. बट टैक्सेबल पूरा 12 महीना होगा, क्योंकि क्या लिखा है, और इधर ड्यू और रिसीव दोनों में से कोई एक देखने से ही हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, 12 महीने का ड्यू हो गया, रिसीव्ड हो गया, ड्यू हो गया, रिसीव्ड हो गया, ड्यू हो गया, रिसीव्ड हो गया. जो 13th मंथ का है वो ड्यू नहीं हुआ है लेकिन रिसीव हो चुका है. इसका मतलब जो एडवांस है वो ड्यू नहीं हुआ बट रिसीव हो गया ना, 13 मंथ का टैक्सेबल होगा. कोई एक देखना है, चला जाओ फटाफट. तो 12 महीने का ड्यू हो गया, रिसीव हो चुका है. 13 मंथ का ड्यू नहीं हुआ तो क्या हुआ, रिसीव हो चुका है ना इस साल, तो इसी मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, इसी साल टैक्सेबल हो जाएगा. इसका मतलब एडवांस सैलरी जो विच हैज बीन टैक्स्ड इन द ईयर 18-19 विल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन 19-20. लिखो,
advance salary will be taxable in the year advance salary will be taxable in the year '18-'19, which will not be included again. While calculating income for 1920, ठीक है? तो 12 महीने का ड्यू हो जाएगा. ध्यान से देखो, 12 महीना ड्यू है, 11 महीना रिसीव्ड है. 12 महीना ड्यू, 11 महीना रिसीव्ड. तो जो हायर होगा दैट मीन विल टेक, जो ज्यादा होगा. इस साल में ड्यू 12 महीना है, रिसीव 13 है, तो जो ज्यादा होगा वो. ठीक है, डन. हटा दे. अच्छा, अभी जो अपने को जो सैलरी मिलता है ना, वो ग्रेडेड सिस्टम के अंडर में मिलता है. ध्यान से देखो, कहां का है ये, कहां देना है. सैलरी अंडर ग्रेडेड स्कीम, इसका मतलब क्या है? 20,000, सपोज मेरा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1 अप्रैल, या 1 जुलाई 2016,
July 2016. ठीक है, 20,000, 1,000, 23,000 डैश, 2,000 डैश, 29,000. इसका मतलब है आपका स्टार्टिंग सैलरी विल बी 20,000 पर मंथ. 1 जुलाई 16 से लेके 30 जून 17 तक योर सैलरी विल बी 20,000 पर मंथ. जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होगा, 1 जुलाई 17 से 30/6/18 तक योर सैलरी विल बी 1,000 रुपया इंक्रीज्ड. 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 तक योर सैलरी विल बी 22,000 पर मंथ. देन 1 जुलाई 19 से 30 जून 20 योर सैलरी विल बी 23,000 पर मंथ. देन 1 जुलाई 20 से 30 जून 21 योर सैलरी विल बी 25,000. द मोमेंट इट रीचेस 23, नाउ द इंक्रीमेंट विल बी नेक्स्ट ईयर से 2,000 करके. देन इट रीचेस 29, फिर जैसे ये 29 पहुंच जाएगा, दे विल गिव यू मोर स्लैब टिल इट रीचेस 34,000, देन 3,000, राइट, लाइक दिस टिल इट रीचेस. इस तरीके से ये बढ़ता ही जाता है, ग्रेडेड सिस्टम. अरे जो देगा इंक्रीमेंट दैट इज द स्लैब, नेक्स्ट वाला में 2,000 इज द स्लैब, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट. सो इस तरीके से है ये, 1,000 रुपया करके इंक्रीमेंट है. द मोमेंट इट रीचेस 23, नेक्स्ट इंक्रीमेंट विल बी 2,000 करके टिल 29. हम लोगों को एग्जाम में कौन सा साल का निकालना है, प्रीवियस ईयर 18-19, दैट इज 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19. फर्स्ट अप्रैल यहां गिर रहा है, देखो ये वाला में 30 जून 18 के पहले आएगा ना 1 अप्रैल 18, तो अप्रैल मई जून, तो 21,000 × 3 प्लस जुलाई से लेके 31 मार्च 19 यहां आएगा, 9 months, सो 22,000 × 9.
ठीक है. नाउ ठीक है. अच्छा, अब सैलरी में बहुत सारा चीज आता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ये वो पार्ट ऑफ द सैलरी है जो एम्प्लॉय को मिलता है अपॉन रिटायरमेंट. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, रिटायरमेंट का टेन्योर में मिलता है. अपॉन रिटायरमेंट तब से या तब मिलेगा, राइट. ये ड्यूरिंग द टेन्योर नहीं मिलता है, ये वो पार्ट ऑफ द सैलरी है जो कब मिलेगा, अपॉन रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, राइट. इसलिए इसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोलते हैं. सो वन ऑफ इट इज ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी इज बेसिकली लमसम पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय का टैक्सेबिलिटी कर रहे हैं ना. इनकम फ्रॉम सैलरी मींस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. लमसम पेमेंट रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन in appreciation of his past services. मतलब employee पिछले 25 साल से इस organization में काम कर रहा है, तो उस खुशी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 5 लाख रुपया दे दिया, 10 लाख रुपया दे दिया, 20 लाख रुपया दे दिया. सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फॉलो ग्रेच्युटी एक्ट. इफ दे एक्सीड सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉय, देन इन दैट केस ग्रेच्युटी एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल एंड दे हैव टू मैंडेटरीली गिव ग्रेच्युटी टू देयर एम्प्लॉयज. वो लॉ का टीचर बताएंगे आपको, राइट. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में देख लीजिएगा व्हाट आर द कंडीशंस एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फुलफिल, राइट. एंड बहुत जन वॉलेंटरीली भी देते हैं. आई एम नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट बट स्टिल आई एम सो मच अटैच टू यू दैट यू आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव सर्व दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, ऑर्गेनाइजेशन वॉज बेनिफिटेड लाइक एनीथिंग, सो वी आर प्राउड टू गिव यू 20 लाख 30 लाख रुपीज. हाल ही में हम लोग एक ड्राइवर को रखे थे, 2-3 साल पहले की घटना बता रहे. ही वर्क फॉर 8 मंथ्स
क्या? हाँ, दो तीन साल पहले घटा हुआ है. ही वर्क फॉर 8 मंथ्स, ही आस्क 50,000 ग्रेच्युटी फ्रॉम अस. ऐसे ही उनको देना ही पड़ेगा. अरे वो लोग इतना इतना हैरेसमेंट करेगा, इतना बदमाशी करता है, तुम बीइंग इन दिस सोसाइटी कैन यू कम डाउन टू दैट लेवल? नो, यू कैन नॉट कम डाउन ना. उनका यूनियन एंड ऑल कितना स्ट्रांग होता है. हाँ, रखे थे किसी को, उनका रहता है अपना. तुम किसी वर्कर का पैसा मार के देखो ना, 30-40 जन को ले आएगा वो लोग. देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, द हैरेसमेंट. अ बैड इमेज विल बी क्रिएटेड इन द सोसाइटी सराउंडिंग योर हाउस. देना ही पड़ता है. या? नहीं. सो बहुत जन वॉलेंटरीली देता है, बहुत जन को कंपल्सरीली देना पड़ता है. इसीलिए अपने को क्या करना, अपने को तो टैक्सेबल इनकम निकालना है एम्प्लॉय का. तुमको ग्रेच्युटी मिला है तो आई विल एड इट टू योर इनकम, राइट? नाउ बहुत जन क्या करता है, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, हालांकि ये देते नहीं है कोई भी. भैया एक एम्प्लॉय जब रिटायर करेगा आज से 20 साल बाद, तो मेरे माथे में प्रेशर रहेगा, 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए एक बार में आउटफ्लो हो जाएगा. सो व्हाई डोंट आई पे द ग्रेच्युटी अमाउंट ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट? मतलब मैं काम भी कर रहा हूं, मेरे को उसका एप्रिसिएशन भी साथ साथ मिलते जा रहा है. इन दैट केस इट इज फुल्ली टैक्सेबल. ठीक है, एक होता है ऑन रिटायरमेंट ऑब्लिक रेजिग्नेशन, वॉट एवर, बेसिकली ऑन टर्मिनेशन. सो तो यहां पे ना लमसम मिलता है, लमसम अमाउंट, बड़ा अमाउंट, बिग अमाउंट, 15 लाख 20 लाख, इस टाइप का अमाउंट. सर हाउ डू यू अराइव एट दस 15 लाख 20 लाख? बहुत सारा कंपनी में क्या होता है, जैसे यू वर्क्ड अंडर मी फॉर 20 इयर्स, सो हर साल का एक महीने का सैलरी आई विल गिव इट टू यू. फॉर एवरी ईयर आई विल 1 मंथ फ्री. तो यू वर्क्ड अंडर मी 20 इयर्स, सो 20 मंथ सैलरी फ्री, दिस इज योर पास्ट ईयर एप्रिसिएशन. बहुत जन 2 मंथ सैलरी फ्री पर एवरी कंप्लीटेड ईयर, तो देगी 40 मंथ सैलरी. बता रहे हैं, हड़बड़ा क्यों रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ दे अराइव एट दिस लमसम कैलकुलेशन. दे माइट गिव यू ड्यूरिंग योर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, सो इट इज फुल्ली टैक्सेबल वॉट एवर ग्रेच्युटी यू रिसीव. And if you have received on termination, right,
the word should be termination, but it includes retirement, resignation or whatever, then you have to check who has received it. Agar government employee ko mila hai, fully exempted, he does not need to pay any tax. Government employee ko agar gratuity milega on retirement, then no tax is payable. Non government employee ka case mein, least of the following is exempt. Sara exempt nahi hoga. Least of the following will be exempt. ठीक है, if it is during term continuation fully taxable, upon termination government employee fully exempted, non government partial amount, पूरा नहीं. Least of the following, what is that I am telling you, wait. ठीक है, so non government employee में least of the following is exempted. Isme you have two things, covered under Gratuity Act, not covered under Gratuity Act. ठीक है, क्वेश्चन में बोल देगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. मतलब the format is like this. Gratuity received, whatever you have received, less exempted. So this figure is what? Taxable gratuity. And how do you get this exempted figure? From here. Received less exempted, the difference will be taxable amount. On this taxable amount, you have to pay income tax to the government. Run. ठीक है,
तो ग्रेच्युटी रिसीव जो भी रिसीव होगा एम्प्लॉयर से उसमें लेस एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड तो टैक्सेबल विल बी जीरो. ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जेम्प्शन ही नहीं है. बट नॉन गवर्नमेंट तो यू हैव टू सी कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड, राइट. नंबर वन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में हमेशा आप लोग एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड को पाएंगे. क्यों? क्योंकि एग्जेम्पशन कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट रिसीव्ड. इट एग्जेम्पशन मतलब पार्ट ऑफ द इनकम और टोटल इनकम गेटिंग एग्जेम्प्टेड. यहां पर भी वो चीज है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. यहां पर मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख, यहां पर मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख. एग्जेम्पशन अमाउंट, वी आर कैलकुलेटिंग एग्जेम्पशन. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड. यहां पे इट विल बी 15/30 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. यहां पे है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट मंथ. यहां पर है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. यहां पे है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. बता रहा हूं मैं, ठीक है. एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ठीक है, समझने का कुछ नहीं है. मैक्सिमम लिमिट एग्जेम्पशन का है ये 20 लाख 10 लाख. यहां पे हाफ मंथ है सर, 15/26 हाफ नहीं होता. ग्रेच्युटी एक्ट में संडे को मंथ में नहीं कंसीडर किया जाता है, इसीलिए यहां पे मंथ इज ऑफ 26 डेज. नॉट कवर्ड में मंथ इज ऑफ 30 डेज.
अपने को ग्रेच्युटी एक महीना डेढ़ महीना दो महीने के हिसाब से मिल सकता है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, बट एग्जेम्पशन है हाफ अ मंथ के हिसाब से। आधा महीने का सैलरी, कौन सा वाला सैलरी? जिस महीने हम रिटायर किए वो वाला। और यहां पे क्या है, रिटायर वाला छोड़ के पिछला 10 महीने का जो एवरेज आएगा वो। यहां पे इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ होगा कंप्लीटेड ईयर में, उसको कन्वर्ट करेंगे, यहां पे इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहां पे एक्सेस ऑफ 6 मंथ वाला वर्ड नहीं है। 27 साल 8 महीना, 28 माना जाएगा यहां पे। इन एक्सेस ऑफ 6 विल बी कंसिडर्ड एज वन कंप्लीटेड ईयर। यहां पे 27 साल 8 महीना, देखो ना, लिखो बेटा, पढ़ो, ध्यान से पढ़ना चाहिए। नंबर ऑफ कंप्लीटेड और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, 27 साल 8 महीना मतलब 28 माना जाएगा। पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को वन कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा। यहां पे ये पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ वाला वर्ड नहीं है, तो 27 साल 8 महीना को 27 ही माना जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां पे रिटायरमेंट मंथ वाला सैलरी लेना है, और यहां पे रिटायरमेंट मंथ छोड़कर पिछला 10 महीने का एवरेज, राइट? हाँ, सो बेसिकली ये तुम्हारा कैलकुलेशन है। अच्छा, सैलरी में तो बहुत सारा चीज आता है। सैलरी में ना यू गेट अ सैलरी ब्रेकअप, अपॉइंटमेंट लेटर में आपको सैलरी का ब्रेकअप होता है। उस पर एम्प्लॉयर क्या करता है, बोलता है ये तुम्हारा काम करने के लिए, दिस इज योर फॉर फूड प्रोविजंस क्लोथ। एम्प्लॉयर टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग ऑफ एम्प्लॉई। ये तुम्हारा बच्चा लोग का फीस, जिसको चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस बोलते हैं। बेसिक होता है, अलाउंसेस होता है, परक्यूजिट्स होता है। अलाउंसेस और परक्यूजिट में फर्क यही है, परक्यूजिट में द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर एंड परक्यूजिट में, एंड अलाउंस में फॉर सम स्पेशलाइज फैसिलिटी मनी इज बींग प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, फिर एम्प्लॉय अपना अरेंज करता है। बच्चा लोग का स्कूल फीस मंथली 1000 रुपया करके, आई एम गिविंग इट टू यू, नाउ यू विल पे, दैट इज अलाउंस। बट इफ योर चिल्ड्रन इज स्टडिंग इन द स्कूल मेंटेन्ड बाय द कंपनी, दैट्स परक्यूजिट। आई एम प्रोवाइडिंग यू फैसिलिटी, और व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग यू मनी टू अवेल एनी फैसिलिटी, दैट इज अलाउंस, एंड व्हेन आई एम डायरेक्टली प्रोवाइडिंग यू दैट फैसिलिटी, दैट इज परक्यूजिट। राइट? तो सैलरी में बहुत सारा चीज आता है, कमीशन आता है, बोनस आता है, सम एम्प्लॉइज ऑल्सो गेट कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल, 1% 2%, राइट? सो यहां पे जो सैलरी वर्ड है ना, इस सैलरी वर्ड का मतलब क्या है? यहां पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है फूड्स प्रोविजंस के लिए, कवर्ड वाला में, दिस इज द मीनिंग अंडर कवर्ड। बहुत बार क्या होता है, डीएनएस अलाउंस को रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करते वक्त उसका हिस्सा माना जाता है। जैसे आई एम टेलिंग यू दैट फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर आई विल गिव यू 1 month एक्स्ट्रा एज ग्रेच्युटी, तो दैट 1 month का सैलरी आई विल गिव यू, तो वो सैलरी में क्या क्या लिया जाएगा, तो उसमें लिखा रहता है डीएनएस अलाउंस भी रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर होगा। अगर लिखा है डीएनएस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करते वक्त नहीं कंसिडर होगा, तब यहां पे नहीं लिया जाएगा। यहां पे वही वाला डीएनएस अलाउंस लिया जाएगा विच विल बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, यहां पे ये चीज नहीं लिखा हुआ है,
इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट, लेकिन यहां पे लिख दिया है. प्लस यहां पे एक चीज और एक्स्ट्रा आएगा सैलरी में, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. Is it fine? Illustration 2 देखो. ये समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है. सेवेंटी फाइव आएगा, इस चेक करो. अशोक एन एम्प्लॉई ऑफ एबीसी लिमिटेड रिसीव्स 2,05,000 एज ग्रेच्युटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. मतलब इट इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं आई है. ही रिटायर्स ऑन 10 सितंबर 2018 आफ्टर एंडरिंग सर्विस फॉर 35 years 7 months. तो वी विल टेक 36, यस और नो, क्योंकि यहां पे इन एक्सेस ऑफ 6 months को 1 completed year माना जाता है. दिस इज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. लास्ट ऑन सैलरी वॉज 2700, मतलब दिस इज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मंथ. व्हेन आई रिटायर्ड इन सेप्टेंबर 18 दिस वॉज माई सैलरी. यस और नो? हा, बड़ा ही सिंपल है. आइए, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी रिसीव 2,05,000 लेस एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग.
इसमें नंबर वन है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच इज 2,05,000. नंबर टू इज मैक्सिमम 20,00,000. एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ए ए आर. नंबर टू इज मैक्सिमम 20,00,000. एंड व्हाट इज थ्री? ध्यान से देखिएगा. थ्री इज फिफ्टीन बाई 26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी 2,700 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. सो 35 years 7 months विल बी 36. कैलकुलेट करो. मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम एग्जेम्पशन इज 20,00,000. कितना आ रहा है? 5. राउंड ऑफ करके बोलो. 5,60,77. इन तीनों में लिस्ट है 5,60,77. सो द बैलेंस अमाउंट इज टैक्सेबल. इट विल बी माई टैक्सेबल ग्रेच्युटी. अरे टैक्सेबल ग्रेच्युटी आ कितना रहा है वो तो बैलेंस बताओ ना. 1,48,923 ये मेरा टैक्सेबल ग्रेच्युटी होगा. हाँ क्यों नहीं हो सकता? हाँ तो नहीं टैक्सेबल है. प्रॉब्लम क्या है? तुम टैक्स नहीं भर रहे हो. व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुमको चोरी थोड़ी कर रहा है. गवर्नमेंट को सोचना नहीं होगा, अपना घर चलाओ पहले, राइट? सरकार पहले अपना सोचती है, उसके बाद जनता का सोचेगी. वैसे तुम भी पहले अपना सोचो, उसके बाद सरकार का सोचो. रूल बना दिया ना, 2,05,000, 20,00,000 और 56,000 में जो लीस्ट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर एग्जेम्पशन, राइट? 15/26 इंटू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ. यही चीज अगर नॉट कवर्ड होता तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम वुड हैव बीन 10. यस और नो? हाँ. 15/30 मंथ इज कंसिडर्ड ऑफ 30 डेज. लास्ट ऑन सैलरी, जैसे सेप्टेंबर में रिटायर किया ना तो सेप्टेंबर वाला सैलरी नहीं लेते. अगस्त से पिछला 10 महीना, अगस्त से पिछला उसका एवरेज, लिविंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट लास्ट 10 मंथ का एवरेज. एंड ये 35 होता, राइट? और सैलरी में यहां पे 2,700 दे दिया. नहीं देता, जैसे मान लो बोलेगा 2,000 बेसिक 700 DA, समझ गया ना? 2,000 बेसिक 700 DA, तब जाके 2,700 आया है. 2,000 बेसिक 700 DA डियरनेस अलाउंस एंड 500 रुपया कमीशन नहीं लेते, क्योंकि इसमें कमीशन है नहीं डेफिनेशन में, सैलरी का डेफिनेशन में 2,000 प्लस 700. अगर नॉट कवर्ड होता तो कमीशन लेते, तो भी नहीं लेते. क्यों? क्योंकि परसेंटेज वाला कमीशन लेना है. कमीशन दो टाइप का होता है. मंथली कमीशन तुम्हारा फिक्स कर दिया 1,000 रुपया, वो नहीं आएगा.
commission which is based on turnover, that one only come. Right? So we will do more sums on it.